दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों वर्ग तीन का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सिर्फ 5000 जगह निकली हुई हैं दोस्तों, और 5000 जगह और फॉर्म कितने भरा जाएंगे ये पता नहीं है। हो सकता है कि 5 लाख भी भरा जाए या 10 लाख भी भरा जाए दोस्तों, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा का तभी सही से आकलन लगता है जब इन फॉर्म फीड होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इतने बेरोजगार हो गए हैं दोस्तों, चाहे एक पीयून की जगह निकले, चाहे चपरासी की जगह निकले या टीचर की जगह निकले दोस्तों, फॉर्मों का तांता लग जाता है। फॉर्म जब भराते हैं तो सर्वे डाउन चलने लगता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्ग तीन में 5000 जगह निकली हुई हैं और फॉर्म भरा रहे हैं, और गवर्नमेंट फिर से और पहले फॉर्म फीट करवा लिए और अब डबल से फॉर्म भरवा रही है। तो ये जो अपडेट आया था मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मेरे चैनल पर एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हैं दोस्तों, और अतिथि शिक्षक से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल राजेश गुरुजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको वो नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आज एक पेपर में आया है, वो उस पेपर की कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों सरकारी स्कूलों में 5000 प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती, परीक्षा होगी मार्च में। ये अपडेट आया है, परीक्षा मार्च में होगी। उम्मीदवार 14 से ऑनलाइन भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म, भास्कर न्यूज भोपाल की ये अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स के 5000 खाली पदों को स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से भरेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीबी। इसके लिए मार्च में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएगा। इसके परीक्षा फॉर्म 14 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के खाली 5000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते साल ही भेजा था। पीबी अफसरों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च को होगी। यह परीक्षा प्रदेश के 16 शहरों में होगी। इसके परीक्षा फॉर्म 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, जबकि 2 जनवरी तक भरे हुए फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे दोस्तों। ये अपडेट था। अब आप बताइए, 5000 भर्ती करेगी और लाखों करोड़ों फॉर्म इसमें भर जाएंगे दोस्तों, और इन्होंने ये लिख दिया कि जो परीक्षा पास तो बहुत हो जाएंगे, 50,000 1 लाख भी हो जाएं, तो इन्होंने ये थोड़ा न्यूज में थोड़ा इफेक्ट था, पर क्योंकि इनकी मेरिट बनाई जाएगी दोस्तों, और मेरिट के आधार पर चयन होगा, सिलेक्ट होंगे। और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों की जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, एजुकेशन डाउनलोड GFMS पोर्टल पर पद नहीं खुल रहे हैं, इसका क्या कारण है। कई तो बोल रहे हैं सर हमने संकुल में रिक्वेस्ट भी भेज दी है फिर भी नहीं खुला है, आप कोई ऐसा नंबर दीजिए जो DPI से हम कॉन्टैक्ट कर सकें। लेकिन भाई DPI वाले कॉल को अटेंड ही नहीं करते, आप 1000 बार कॉल करोगे वो अटेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में DPI के पास में कॉल जाते हैं, और 1-2 कॉल जाए तो उनको रिसीव भी कर लिया जाता है, लेकिन इतने सारे कॉलों को रिसीव करना DPI की बात नहीं है। तो आप संकुल में कनेक्ट कीजिएगा, संकुल में आप संकुल प्राचार्य से बात कीजिएगा, सर हमारा पद शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे अच्छा निराकरण आपको संकुल में ही मिलेगा। भले ही आप DPI में चले जाओ, वहाँ पर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, यही बोला जाएगा कि आप DPI में आए हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे और 2-4 दिन में आपके पद सो होने लगेंगे, लेकिन नहीं होते दोस्तों। 3 से 4 महीने हो गए स्कूल खुलते, आप सभी को पता है, आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी जानते हैं, और मेरे जितने भी सब्सक्राइब भाई हैं उनका कॉल आ रहा है सर बताइए कब खुलेगा। तो खुलेगा ज़रूर, एक सुनिश्चित शाला है PS टीकमगढ़ से मेरे पास में कॉल आया, सर बताइए कब तक खुलेंगे GFMS पोर्टल पर पद, मैं 3 महीने से स्कूल जा रहा हूँ सर, बहुत परेशान हूँ, आप
को कुछ नॉलेज हो, कुछ जानकारी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप बता दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा, और जो मेरे को आइडिया था वो मैंने उनको बताया। और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और एक और जो कल वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो पर अच्छा सजेशन मिला मुझको, बहुत से लोग देख भी रहे हैं। और ये मांग जो रखी है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की, ये मांग उचित है और इसको पूर्ण भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कहें कि जो पूरे अतिथि शिक्षक हैं उनको नियमितीकरण कर दिया जाए तो ये बिल्कुल असंभव है, ये अनलीगल मांग है। लीगल मांग अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा है, DLED है आपके पास में, या BEd है, प्रशिक्षित हैं आप, और अनुभव सबसे बड़ा लोचा चल रहा है दोस्तों। एक भाई की ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई और एक कमेंट भी आई थी मेरे पास में, सर ये अतिथि शिक्षक, तो मैंने उनको ये भी कमेंट्स में बताया था कि अतिथि शिक्षक नहीं है, इन्होंने रेगुलर अतिथि शिक्षक में काम किया और साथ में इन्होंने BEd किया, MA भी किया, और जब MA इंग्लिश से इन्होंने कर लिया और इनका पेपर क्वालिफाइड हो गया, इनकी ज्वाइनिंग हो गई। और जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, डॉक्यूमेंटेशन की, जब जिनके डॉक्यूमेंट्स जांच हुए तो इनका फर्जी एक ही साथ में इन्होंने BEd किया, उसी साथ में इन्होंने MA किया और उसी साथ में अतिथि शिक्षक स्कूल में भी पढ़ाया। अब आप बताइए, आप किसी से परामर्श लेते हैं तो कहते हैं हाँ चल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करिएगा, सब कुछ चलता है। लेकिन अतिथि शिक्षक में चल जाता है लेकिन रेगुलर में नहीं चलता भाई। चोरी तो चोरी होती है और चोरी करने वाले एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। तो जो भी साथ में कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप समय को मत गवाइएगा। अगर BEd कर रहे हैं तो स्कूल से या तो फिर प्राइवेट कीजिएगा, या अतिथि शिक्षक की नौकरी छोड़ के कीजिएगा, कोई भी आप डिग्री करना चाहते हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक का पद नियमित नहीं है। लेकिन नियमित तो नहीं है, और जब अपनी डिग्री होती है और नौकरी लगती है तो फिर ये नियमित ही हो जाता है कि आपने दो दो चार चार काम एक साथ में कैसे किए। तो ये बहुत सी बातें हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत समय इसमें निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वर्ग 3 का चलो ठीक है फॉर्म तो भरिएगा आप, मेहनत कीजिएगा, हो सकता है किसके हाथ में नौकरी की रेखा है और किसकी लग जाए। ये मत देखिएगा 5 लाख 10 लाख फॉर्म भर गए, हमारा नहीं होगा। लेकिन समय कब बाजी मार दे, आपकी किस्मत कब चमक जाए, ये कुछ पता नहीं है दोस्तों। कब राजा से रंग और रंग से राजा, आप कब राजा बन जाएं ये पता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हो सकता है वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपका ही नाम हो। तो जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो।